अच्छा, या सबसे पहले तो सभी फ्रेंड्स को और सभी कलीग्स को और सभी सीनियर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज खरे है और बेसिकली रेस्ट ऑफ द लाइक इंट्रोडक्शन इज गिवन बाय वीरेंद्र। और यहाँ पर आज एक बहुत ही छोटा सा और एक मतलब थोड़ा बहुत काम का अपना एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम का एक सेशन रख रहा हूँ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से कि सब लोग इंगेज रहें। मतलब जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ या मैं कुछ जानना चाहता हूँ या पीपीटी के नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले मैं अगर चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक इंट्रो हो जाए, मतलब पर्टिकुलरली नेक्स्ट पीपीटी के टॉपिक के ऊपर एक इंट्रो हो जाए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि मैं आप लोग से कुछ पूछूंगा तो आप लोग उसका जवाब दें। वीरेंद्र, स्टार्ट करूँ मैं? जी दादा जी, अच्छा, सबसे पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि जैसे बाकी यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, ये मुझे कोई बताए कि इमरजेंसी क्या होती है। बड़ा छोटा सा प्रश्न है और इसका बहुत छोटा सा ही जवाब है। इमरजेंसी क्या होती है? कोई एक वॉलेंटियर मुझे जवाब दे दे अपनी अपनी समझ से। मैं पहले एक चीज ये बता दूं, इमरजेंसी का जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात समझना कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, और या हम साइट पे जितने भी लोग होते हैं, अगर कोई घटना घटित होती है वीरेंद्र, तुमसे नहीं एक्सपेक्टेड था तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। तुम्हारे पास तो वैसे ही बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो मैं एक छोटी सी बात ये कह रहा हूँ कि हम जब कभी साइट पे होते हैं ना, तो हमारे पास कोई, अगर मान लीजिए किसी सेक्शन में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो उसको देखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। तो जो व्यक्ति जिस एंगल से उस सिचुएशन को देखता है, उस सिचुएशन को बताने का उसका अपना एक नजरिया होता है, ठीक है? इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन के जब हम डीब्रीफिंग करेंगे तो उसमें अलग अलग फेजेस हो सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी क्या होती है उसका मुझे जवाब आ रहा है। सबसे पहले वीरेंद्र ने दिया था, फिर सत्यपाल करके थे, उन्होंने जवाब दिया। तो एक छोटा सा जवाब जैसे मैं पूछना चाहूंगा, कार्तिक भी है क्या अपने ग्रुप में? कार्तिक यस हाँ दादा, सर। लेकिन कार्तिक? हाँ कार्तिक, कैसे हो? आप कैसे हैं सर? जैन सर? जैन जैन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे दिग्गज इकट्ठा कर रखे हैं तुमने। हाँ, बसंत भी हैं और रतन पाल हैं, कुशवाहा जी हैं, सब हैं, उपेंद्र जी भी हैं, विनोद चौधरी भी हैं। अच्छा, तो एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा आंसर है इमरजेंसी का, कि इमरजेंसी का मतलब होता है एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, यानी कि ऐसी सिचुएशन का घटित होना, ऐसी सिचुएशन का उत्पन्न होना जो हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी है या हमने सोची नहीं है, उसको कहते हैं ऐसी स्थिति में पहुंच जाने को। अचानक से अगर हमारे सामने कोई घटना घटित होती है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो अगर घटना घटित हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन, ठीक है? यहाँ पर मैंने इमरजेंसी को कैसे, इमरजेंसी के लिए हम कैसे प्रिपेयर हों, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी पीपीटी बनाई है और WLS के माध्यम से, और ये जो ग्रुप है हीरो ऑफ द नेशन दी फायर फाइटर, और वीरेंद्र कुमार, भावेश बाब सर, अपने अरुण निर्वाण सर और विनोद चौधरी जी, इन सभी के सहयोग से आज मुझे ये मौका मिल पाया है कि मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दे सकूं। तो यहाँ पर मैंने इमरजेंसी प्रिपेयरनेस
इस प्रोग्राम को तीन और नाम दिए हैं। पहला नाम तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम है, और दूसरा है इमरजेंसी एक्शन प्लान, तीसरा है इमरजेंसी हैंडलिंग प्लान, और चौथा है क्विक रिस्पांस प्लान। अब आप अगर इन चारों नाम को देखेंगे, ठीक है, तो आपको एक फील आएगा मन में कि हर एक इंडस्ट्री में अलग-अलग तरीके से इन नामों का उपयोग होता है। हम अलग-अलग इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की, तो कॉर्पोरेट्स में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम बोला जाता है। अगर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो वहां पे इमरजेंसी एक्शन प्लान होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने जो हमारे सरकारी फायर फाइटर्स हैं, जो हमारे मतलब अपनी फायर ब्रिगेड में हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो बात करेंगे इमरजेंसी रिस्पांस प्लान या वो बात करेंगे क्विक रिस्पांस प्लान। सबका मतलब एक ही है। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो मुझसे आखिरी में भी पूछ सकता है, और अगर मेरे बात करने के बीच में किसी को अपनी कोई बात रखनी है तो वो भी बोल सकता है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ एटलीस्ट सब सुन रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है किसी की वीडियो चल रही है तो मुझे पता नहीं चल नहीं रहा है कि लोग मुझे सुन भी रहे हैं कि नहीं। दादा, एक्चुअली वीडियो हम लोगों ने बंद इसलिए रखा है ताकि जो आपका वॉइस का क्लियरिटी रहे और आपका वीडियो दिखता रहे। अच्छा, तो ये था पहला पेज, अभी नेक्स्ट पेज में कर देना। हाँ, थैंक यू निशा। अच्छा, ये जो अभी पेज आपके सामने आ रहा है, इसमें इसको एक तरीके से इंडेक्स कहते हैं, और इसको हमने कहा है सेशन के ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इस सेशन का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो इमरजेंसी क्या होती है, मेरे सारे फायर फाइटर्स ने और सारे जितने भी मेरे फायर के जितने भी मेरे सब बंधु मित्र हैं सबने बता दिया कि इमरजेंसी क्या होती है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या होता है, हमें इमरजेंसी एक्शन प्लान की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ड्रिल्स और इवैक्यूएशन के प्रोसेस क्या होते हैं एनबीसी के हिसाब से, इमरजेंसी प्लानिंग एज पर एनबीसी ऑफ इंडिया, स्पेसिफिक आरएनडी, ये जो आरएनडी है ना, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, ये रोल्स एंड ड्यूटीज है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज है। बिल्डिंग सेफ्टी टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज होनी चाहिए। फिर प्रिपरेशन के बारे में है कि इमरजेंसी एक्शन प्लान के पहले क्या प्रिपरेशन होने चाहिए, इमरजेंसी के दौरान क्या करना चाहिए, और इमरजेंसी के बाद हमें क्या अरेंजमेंट्स करने चाहिए। फिर मैंने एक छोटा सा 2-3 लाइन का एक प्रोटोकॉल बनाया है, जिसमें मैंने एक फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान की मदद ली है, और लास्ट में जिसको आप कंक्लूजन कहते हैं उसको मैंने मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखा है। उसके बाद मेरे लिए कुछ प्रश्न आएंगे आपके पास से, और फिर मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछूंगा। नेक्स्ट पेज कर देना वीरेंद्र। जी दादा, ये कुछ, हाँ, ये जो आपके स्क्रीन पर इस समय एक दो पिक्चर्स आ रही हैं, बहुत ही लेटेस्ट जो अभी एक इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ है उसकी आपके सामने दो इमेजेस आ रही हैं। 4 अगस्त 2020 को लेबनान में एक डिजास्टर हुआ था बेरूत में, तो वहां पर अमोनियम नाइट्रेट जो था वो उसका जितना भी कंजम्पशन था, ये जितना स्टोरेज था वो सारा स्टोरेज क्या हुआ, वो ब्लास्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड करना। ये जो इस समय आपको फोटोग्राफ आपके स्क्रीन पर आ रही है, अच्छा मैं ये पूछना चाहूंगा कि स्क्रीन पे सबके आ रहा है ना, मतलब पीपीटी के पेजेस आ रहे हैं ना हाँ सबके हाँ स्क्रीन सर, पर? यस दिख रहा है सर, हाँ कंटिन्यू। हाँ थैंक यू थैंक यू। तो हाँ, तो ये क्या है कि ये कॉजेज बिहाइंड दिस एक्सप्लोजन है, ये तो लिखा हुआ है नीचे कि आखिर क्या हुआ था, उन्होंने ढूंढा था इतने टन वहां पर वो था अमोनियम नाइट्रेट पाया गया था, और काफी
काफी हम लोग ने इसके बारे में न्यूज सुना है और बहुत बहुत कुछ देखा है हमने इसके बारे में। काफी दिन तक न्यूज में चलती रही, मीडिया में सब न्यूज चलती रही। तो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पेज करना। ये है वो पेज जो आपके इस लेबनन का, जो मतलब जो मैंने रिसर्च करके जो मैंने पता किया कि आखिर उस इन्वेस्टिगेशन की, मतलब एक छोटा सा प्रश्न मन में उठता है कि अपने आप कैसे, और अगर अपने आप वो ब्लास्ट भी हुआ तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, ये समझना बहुत जरूरी है। और लेबनन वाला जो मैंने यहाँ पर एक जो स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस लगाए थे, उसके पीछे का लॉजिक भी समझ लो। उसका लॉजिक ये है कि एक रीसेंट एक्सीडेंट हुआ था लास्ट मंथ, आखिर उस एक्सीडेंट के पीछे के क्या लॉजिक्स थे, और उसके बाद क्या उन्होंने किया, या ड्यूरिंग दैट इमरजेंसी की आफ्टर दैट इमरजेंसी उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट क्या किया, और वो क्यों थी, क्योंकि वो एक ऐसी घटना थी जो अनएक्सपेक्टेड थी। तो यहां पर क्या है कि इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग क्या निकली कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये वहां के प्राइम मिनिस्टर का, बेरूत का जो अपना लेबनन था, वहां के प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है कि इट वॉज नीदर एन इंटरनेशनल अटैक नॉर एन इंटरनल ऑफेंस। ना तो ये बाहर के किसी बाहर के देश का कोई हमला है, ना ये हमारे अंदर का यानी कि आंतरिक कोई लड़ाई है, ये सिर्फ कमी है एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम के ना होने की, और फेलियर ऑफ प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स। प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स तो सब समझते ही होंगे, प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स के बारे में पता है। जी दादा, अजीत कुमार कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स क्या होता है। बेटे आप कहाँ काम करते हैं, अजीत आप कहाँ काम करते हैं? अजीत आप अपना माइक ऑन करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हाँ शायद वो माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप कंटिन्यू करें दादा। चलिए ठीक है। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही साफ शब्दों में ये बोला, और ये जो इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग थी ये पब्लिश हुई थी। अच्छा माइक खराब है उनका, कोई बात नहीं। तो ये जो पब्लिश हुआ था 4 अगस्त को ये एक्सीडेंट हुआ था, और 11 अगस्त को वहां के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्पीच दे दी थी कि ये कोई बाहरी हमला नहीं है, ना ही आंतरिक कोई हमारी लड़ाई है, ये सिर्फ हमारे जो हम प्रिपेयर नहीं थे, मतलब मुश्किलों से लड़ने के लिए या दुर्घटनाओं से लड़ने के लिए जो हम प्रिपेयर नहीं थे, ये उसकी कमी है। और जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स का फेलियर था, यानी कि जब आप एक बल्क स्टोरेज करते हैं, जब आप एक बल्क स्टोरेज करते हैं ना किसी जगह पे, तो उनके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उनके डूज एंड डोंट्स होते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा। अपने आप सभी ने, जिसने भी डिप्लोमा किया है, जिसने डिग्री करी है, जिसने इंजीनियरिंग करी है, और जो एनएफएससी के रहे हैं, उन सब ने ये चीजें पढ़ी होंगी कि प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स क्या होते हैं। जब कहीं पर हम कोई स्टोरेज करते हैं, जैसे एनबीसी में भी स्टोरेज के मामले में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो जब हम किसी चीज को या किसी केमिकल को या किसी भी मटेरियल को हम स्टोर करते हैं, तो उसके स्टोरेज के टाइम पे हमें बड़े सेफ्टी प्रिकॉशंस देखने पड़ते हैं, और उनको प्रॉपर चेक करना पड़ता है। एक मिनट लगेगा। चैट में कुछ भी रहेगा तो दादा मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। अच्छा ठीक है। हाँ तो क्या होता है कि फेलियर ऑफ प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स का मतलब होता है कि हमने दुर्घटना के होने से पहले जब हमारे पास सामान्य स्थिति में वो स्टोरेज वहां मौजूद था, तब हमने वहां पर
उस स्टोरेज की या उस केमिकल की सुरक्षा के लिए उपयुक्त संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया, स्पष्ट शब्दों में। समझिए अब अजीत, कि अगर हमारे पास कोई केमिकल स्टोर था और वो एक भारी मात्रा में स्टोरेज था, तो उस भारी मात्रा में जो मेरे पास केमिकल था, वो उसके हमने भविष्य के बारे में नहीं सोचा कि कल को क्या हो सकता है, कि कुछ भी हो सकता है, ये केमिकल लीक कर सकता है, स्पिलेज हो सकता है, ठीक है, इसकी फ्यूम्स निकल सकती हैं, आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा हमने, ये नहीं सोचा कि अगर मान लीजिए कोई नेचुरल कॉज आ जाए तो इस केमिकल के साथ वो रिएक्ट तो नहीं करेगा। तो हमने इस तरीके के भविष्य के बारे में जब हम नहीं सोच पाते हैं, और हमने वर्तमान में रहकर भविष्य के बारे में जब नहीं सोचा, तो हमारा क्या हुआ कि जो हमने स्टोरेज किया हुआ था केमिकल का भारी मात्रा में, उसकी सुरक्षा के लिए हम अच्छे इंतजाम अगर नहीं कर पाए, तो उसको हम फेलियर ऑफ प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स कहते हैं। इसको साधारण भाषा में मैंने तुमको समझाया, ठीक है? तो अगर अगर कभी तुमसे ये पूछा जाए कि फेलियर ऑफ प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स क्या है, तो तुम इसको समझा सकते हो कि जब कभी हमारे पास कुछ भी स्टोरेज या कोई भी ऐसा संयंत्र होता है, इक्विपमेंट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए या उसको कार्यरत करने के लिए, पहले और बाद के जो हमारे काम होते हैं उनको अगर हम करने में असफल हो गए तो वो फेलियर्स कहलाते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है? नेक्स्ट कर दो। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम की, ठीक है? एक वेरीफाइड यानी कि सत्यापित, वेरीफाइड का मतलब क्या होता है? सत्यापित। रिटन मतलब लिखित। प्रोसीजर क्या होता है? कि एक तरीके का कार्यक्रम, क्रियान्वयन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रियान्वयन, क्रिया। तो एक सत्यापित लिखित क्रिया जो कि कार्यस्थल के को सुरक्षित रखने के लिए और वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए एक सत्यापित लिखित प्रक्रिया बनाई जाती है, उसको हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम कहते हैं। अगर किसी का डाउट है तो वो एक बार अपना चैट बॉक्स में पूछ सकता है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। इसका एकदम हिंदी में, इंग्लिश में आपके सामने आ रहा है, हिंदी में मैं इसको समझा रहा हूं। किसी भी कार्यस्थल को और वहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षित करने के लिए वहां के इमरजेंसी विभाग के द्वारा एक सत्यापित लिखित प्रक्रिया बनाई जाती है, जिसको हम हिंदी में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम, मतलब इंग्लिश में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम कहते हैं। क्लियर है सभी को? कोई ऐसा है जिसको ये परिभाषा नहीं समझ में आ रही है? चैट बॉक्स में ऐसा कोई कमेंट्स नहीं है दादा। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज कर दो। अच्छा, अभी क्या होता है, एक छोटी सी बात समझो सभी लोग, कि हमें किसी चीज का महत्व का जरूरत कब पड़ती है, हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस कब समझनी होती है? एक ही वजह से हमें किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस समझनी होती है, जब हम उस काम में फेल हो गए हैं। बहुत छोटी सी बात है, इसको समझना दिमाग। अगर आप समझ लीजिए एज एन एग्जाम्पल कि आप एक्स वाई जेड क्लास में हैं, या मान लीजिए मैं बात करता हूँ हाइड्रोलिक्स के पेपर की, मैकेनिकल के पेपर की, और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के पेपर की जो हम सभी ने पढ़ा है। तो मान लीजिए फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, आपने एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद आपको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, जब वो अपने हाथ से निकल जाती है। ये क्या है? हाँ,
हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही सही बोला वो। जब वो चीज अपने हाथ से निकल जाती है, अब देखो ये जो हाथ से निकल जाती है ना, सेंस दूसरा जा रहा है ना, बाहर नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है, हमें समझना है इस ग्राउंड पे, वहां से निकल जाती है, सेंस दूसरा आ रहा है। वीरेंद्र समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल दादा बिल्कुल। हाँ, तो क्या हो रहा है कि हमें किसी चीज का महत्व कब समझना होता है, जब वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है, जैसा कि इन्होंने बताया बिल्कुल सही। तो उसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि इमरजेंसी एक्शन प्लान का महत्व क्या है। तो इसमें मैंने छोटा सा प्रश्न लिखा है स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा कि व्हाई इज दीज प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम्स गेट फेल, ये प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम फेल क्यों हो जाते हैं। मैंने तो इसके चार आंसर लिखे हुए हैं, मुझे और आंसर्स अगर दो तीन लोग भी बता दें मेरे इन चार आंसर्स के अलावा, कि हम सभी लोग फायर के पर्सनल हैं, तो हम सभी लोगों के अपने इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम होंगे, अपने अपने इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी कॉरपोरेट में, अपनी कंपनी में, हर जगह पे हमारे पास अपने इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम होंगे। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम ऑल ऑफ ऐसा पॉइंट जरूर आता है जहां कहीं पे हम फेल हो जाते हैं। कभी कभी हम अपनी गलती से फेल होते हैं, कभी कभी हम सामने वाले की गलती से भी फेल हो जाते हैं। तो हमें क्या समझना है कि हम आखिर इन चीजों में फेल क्यों हो जाते हैं। मैंने चार बहुत ही बेसिक आंसर लिखे हैं, इनको समझना। इनएक्यूरेट कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर कंपनी पर्सनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेस। कभी कभी क्या होता है कि एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए वीरेंद्र एक साइट का या भावेश एक साइट पे फायर सेफ्टी ऑफिसर है। भावेश की अपने एरिया के जो लोकल फायर ब्रिगेड है उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है। अभी क्या हुआ, अचानक से एक दिन लोकल फायर ब्रिगेड का अंदर कोई वो आया, एक चेंज आया और उनके जो एक्सचेंज नंबर थे वो बदल दिए गए। तो इस पे बहुत से लोग मुझसे प्रश्न ये पूछेंगे कि सर हमें तो कॉमन हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। तो कॉमन हेल्पलाइन नंबर वाली बात अलग है, लेकिन होता क्या है कि जिस समय आप पैनिक सिचुएशन में होते हैं, आप सबसे पहले अपने वही स्टोर्ड नंबर्स को यूज करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जैसे मान बिल्कुल सही लीजिए कि कह रहे भावेश है, भावेश है ना, तो भावेश की साइट पे एक इमरजेंसी हो गई। अब भावेश के पास मान लो अरुण सर का नंबर है, लेकिन अरुण सर का नंबर क्या हुआ, मोबाइल नंबर है, लेकिन अरुण सर की वहां का नंबर नहीं है, जहां पे अरुण सर सिटिंग है उनकी, वहां पे नहीं है, स्टेशन का नहीं है, अरुण सर का पर्सनल नंबर है। तो अभी क्या हुआ कि अरुण सर का किसी कारण से फोन खराब हो गया, या अरुण सर ने किसी वजह से नंबर बदल दिया, और अरुण सर भावेश को अपडेट नहीं कर पाए, ना भावेश ने उसे संपर्क करा किसी एक पर्टिकुलर समय के दौरान। लेकिन अनहोनी तो कभी भी हो सकती है, तो वो अनहोनी घटित हो गई उसी पर्टिकुलर समय में। अब यहाँ पर जो इनएक्यूरेट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है ना, ये दोनों पक्षों के लिए है और दोनों मतलबों में है, इसको समझो। या तो आपने डेटा, आपने एक जो आपने प्लान बनाया था उसमें आपने स्टेशन के नंबर गलत लिखे हैं, या फिर जो घर जो सिचुएशन हुई अभी मैंने वो समझाई, ऐसा भी हो सकता है। तो जब हम पैनिक में होते हैं और हमारे पास एक प्रॉपर नंबर नहीं होता है, तो उस समय अचानक से हड़बड़ाहट में हम और घबरा जाते हैं कि भाई अरुण सर का नंबर क्यों नहीं लग रहा, फलाने का नंबर क्यों नहीं लग रहा। उस समय क्या होता है कि फायर सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर भी एक प्रेशर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं प्लान में एक छोटी सी कमी आ जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सबके साथ होता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि चीजें, ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। तो मैंने वही चार छोटी छोटी सी चीजें लिखी है। दूसरा, लैक ऑफ डिटेल्ड रिस्पॉन्स प्रोसीजर टू हजार्डियस मटेरियल स्पिल्स एंड अदर पोटेंशियल इमरजेंसी सिनेरियोस।
इससे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम कहीं पर कमी खा जाते हैं, अच्छा ये धर्मेश, ये धर्मेश कारसो वही है, धर्मेश जी है ये जी। हाँ, तो दूसरा आंसर है इसका कि जब हमारे पास डिटेल्ड रिस्पांस प्रोसीजर जैसे हजार्डियस मटेरियल, अब ये जो हजार्डियस मटेरियल है वो अगर हमारे पास उसका डिटेल्ड रिस्पांस प्रोसीजर नहीं है, जैसे कि मैंने पिछले में बात करी थी कि प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स नहीं है मेरे पास, तो कहीं ना कहीं इसका जो आफ्टर इफेक्ट आएगा ना, वो आफ्टर इफेक्ट आएगा मेरे इमरजेंसी प्लान के ऊपर। जैसे मान लो कि मेरे पास गैस का चैम्बर है, टैंक्स है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन क्या हुआ कि मैंने उसका एक रिस्पांस प्लान या उसके सेफ्टी बैरियर्स या उसका एक्स वाई जेड जो भी हम टर्म्स यूज करते हैं टेक्निकल, वो हम प्रिपरेशंस नहीं कर पाए, या हमने करा, हम काफी बिजी है हमारा शेड्यूल और हमें लगा कि ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं। होता क्या है ना कि जब हम बहुत धीरे 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 करके ऊपर के लेवल पे आते हैं तो नीचे 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 हमारी टीम बढ़ती जाती है, तो ये जो हम ऊपर बढ़ते रहते हैं हमारी टीम नीचे 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 खड़ी होती रहती है, साथ में एक टीम खड़ी होती रहती है, तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर समय हर जगह पर एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव या मैनेजर हर समय तो नहीं नजर गड़ा सकता, तो वो अपनी टीम को दौड़ाता है, तो टीम में से किसी से कोई लैक हो गया या किसी से मान लीजिए उस फायर सेफ्टी मैनेजर से वो चीज छूट गई, वो डेली राउंड पर निकल रहा है और बड़ी छोटी सी एक चीज है जो डिटेल्ड में नहीं करी थी उसने, वो छूट गई, तो भी हमारे इमरजेंसी प्लान के ऊपर इफेक्ट आता है। फिर यहाँ पर बड़े सारे हैं, बड़े सारे पॉइंट हैं, मैं सच बता रहा हूँ सत्येंद्र, जो तुम लिख रहे हो ना और जो भी मेरे बंधुवर जो ये सब पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। ये मैंने सिर्फ चार पॉइंट लिखे, ये चार के 40 हो सकते हैं, और हम सभी फायर के बंदे हैं, फायर सेफ्टी के लोग हैं हम लोग, हम इसको 400 पॉइंट्स में बना सकते हैं, यही डिपेंड करता है। यही जो हमारा आरसीए निकालने का जो हम लोग का एक अप्रोच है ना, एज वी नो दैट वो चैट बॉक्स में ज्यादा देर रुक नहीं पाया मैं, कार्तिक तुम्हारा स्टेटमेंट पढ़ के समझ गया। तो मेनली होता क्या है कि हम लोग सभी फायर सेफ्टी के लोग हैं और हम सभी लोग जो है आरसीए में बड़े मजबूत हैं, रूट कॉज एनालिसिस निकालने में हम सब बड़े मजबूत हैं, तो हम लोगों को ये जितने भी इमरजेंसी एक्शन प्लान को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हमें हर चीज को हर हर एक मतलब सेटअप में जाके और उसकी जड़ तक पहुंचना होगा, अपने अंदर से आपको कमियां निकालने की आदत लानी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा। अगर आपको एक बहुत ही अच्छा फायर सेफ्टी ऑफिसर बनना है और इमरजेंसी एक्शन प्लान बहुत अच्छा बनाना है कि जिसकी कोई काट ना हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण ज्ञान क्या है कि आप जिस जगह पर भी अपनी साइट पर खड़े हो, जिस किसी भी इक्विपमेंट के पास, जिस किसी भी मशीनरी के पास आप खड़े हो, वहां पर आप अपनी नजरें और दिमाग एक साथ दौड़ाएं और देखें कि वहां पर क्या क्या कमियां हैं फायर एंड सेफ्टी के एस्पेक्ट से, और हम क्या क्या नया कर सकते हैं और अच्छा प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाने के लिए। तो ये महत्व समझना पड़ेगा, और लैक ऑफ साइट स्पेसिफिक फायर प्री प्लान, ये तो आप सभी लोग समझ रहे हैं कि अगर हम चेकलिस्ट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मैनेजर है या हम जिस किसी से भी हम साइन करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं कॉरपोरेट की बात करता हूँ या फैक्ट्री की बात करता हूँ, तो फैक्ट्री में प्लांट हेड होता है, प्लांट्स में प्लांट हेड होते हैं, और कॉरपोरेट्स में हमारा प्रॉपर्टी मैनेजर होता है और जनरल मैनेजर होता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि हम चेकलिस्ट अपनी के आगे ले जाते हैं डेली बेसिस पे साइन कराने, या मंथली बेसिस पे, या क्वार्टरली बेसिस पे, या हाफ ईयरली, या एनुअल,
हम अपने प्रिपरेशन की जो चेकलिस्ट होती है वो सारी हम उनके साथ साइन कराते हैं। अक्सर ये होता है कि हम तो अपनी जिम्मेदारी समझ के और अपनी नजर से प्रॉपर सब कुछ चेक करके चेकलिस्ट को भरते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये जो सीनियर अथॉरिटीज है ना, ये उनको प्रॉपरली क्रॉस चेक नहीं करती हैं। तो क्या होता है कि जो कमी होती है ना, वो एक डिपार्टमेंट तक ही बंद के रह जाती है। यानी कि जो फायर एंड सेफ्टी का डिपार्टमेंट है, जो ईएचएस का डिपार्टमेंट है, ये सारी जो कमियां होंगी सिस्टम की ना, सिर्फ उनकी जानकारी तक ही सीमित रह जाता है और बाकी के उच्च अधिकारियों तक ये बातें नहीं पहुंच पाती हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें अपना इमरजेंसी एक्शन प्लान बहुत अच्छा बनाना है, तो हमें अपने सिस्टम की नॉलेज अपने सीनियर्स के साथ साझा करनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा एक्स वाई जेड लोकेशन पर एक एक्सटिंग्विशर है, उसका जो डोम है, उसका जो बेस है वो जो है, या उसका जो डिश है, कुछ भी है एक्सटिंग्विशर का, वो कोरोजन उसमें हो गया है, नोजल पाइप खराब हो गई है, बताना पड़ेगा। देखो इस बात को, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो, चीजें कहाँ पर लैक होती हैं आपकी जानकारी में। हम सभी लोग फायर सेफ्टी के पर्सनल हैं, हम सभी को पता होता है कि हमारे सिस्टम में क्या कमी है, लेकिन यदि हम इस बात को आगे साझा नहीं करेंगे तो ये भी हमारे अच्छे इमरजेंसी एक्शन प्लान के लिए कमी के और तौर पे बनेगा। क्योंकि जब आपके सिस्टम के बारे में आपके पूरे मैनेजमेंट को पता होगा, तो वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में, यानी कि इमरजेंसी में, आपका साथ देने के लिए आगे से आगे आएंगे। नहीं तो अक्सर क्या होता है, आप सभी ने इस चीज को फील किया होगा, अगर आप अपने मैनेजमेंट के साथ चीजें साझा नहीं करेंगे, तो अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो आप उसको हैंडल करते हैं, तो वो थोड़ी देर तक तो आपको शाबाशी देंगे, वेल डन भावेश, वेल डन कार्तिक, आपको थोड़ी देर तक शाबाशी देंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे 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 आप आरसी और रिपोर्ट रेडी करना शुरू करेंगे ना, आपको कमियां आप लिखेंगे तो बोले अरे ये कैसे था, ये कैसे हुआ। अच्छा जब आरसीए पे बात पहुंचेगी ना, रूट कॉज एनालिसिस पे, तब मैनेजमेंट क्लास में बोलेगा ये कमी थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ये सारी चीजें हैं, अच्छा इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने के लिए हमारे पास, हमें हर एक चीज साझा करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग की डेफिशिएंसीज हैं, ड्रिल्स की डेफिशिएंसीज हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे फायर सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, फायरमैन हैं, फायर मैनेजर हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर इस WLS में। तो हम अपनी समझ से, हम सभी लोग फायर वाले हैं, हम लोग अपनी समझ से तो मैनेजमेंट को एक अच्छा ड्रिल, एक अच्छा ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन क्या हम कभी ये चेक करते हैं कि उनको पता चल गया, उनके दिमाग में ये बात आ गई है, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी उन्हें सिखाते हैं। हेलो, एक मिनट दादा, कार्तिक कुछ पूछना चाह रहा है। कार्तिक आप माइक ऑन हाँ करके बताओ। पूछिए। हाँ कार्तिक कार्तिक सर, गो ये अहेड। बाय मिस्टेक हो गया था सर, सॉरी। ओके ओके इट्स मोबाइल ओके 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 दादा कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो जो हमारी ट्रेनिंग की डेफिशिएंसीज है ना, ये भी कहीं ना कहीं सामने आती हैं। अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि किसी बंदे की साइट पर आग लग गई है, उसके पास सब कुछ है, इन तीनों पॉइंट्स का अपोजिट, यानी कि उसके पास प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उसने डिटेल प्रोसीजर भी बना रखा है, उसके पास चेकलिस्ट भी है और उसने मैनेजमेंट से साझा भी किया हुआ है, लेकिन अगर ये चौथी कमी भी रह गई जो कि ट्रेनिंग की है, ड्रिल्स की है, ये कमी नहीं है। कमी क्या है कि आपने तो ट्रेनिंग और ड्रिल्स दी, लेकिन क्या मैनेजमेंट के या हमारी टीम के जो अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या उन्होंने इसको सीरियसली समझा? ये जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, इसको एकदम ध्यान से लिख लीजिए कहीं पर। ये जो चार चीजें हैं ना,
कि प्रॉपर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे एक्सटर्नल रिसोर्सेस की, दूसरा जो कोई भी हमारे पास कंबस्टिबल केमिकल किसी भी टाइप का मटेरियल है, जैसे लेबनन वाला केस हुआ, हमारे पास कोई बल्क केमिकल स्टोरेज है, ये छोटा भी है, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो कैसा भी, या हमारे पास प्रॉपर चेकलिस्ट है, तो हर चीज का हमारे पास एक नोटिंग होना चाहिए। बड़े ही अटेंटिवनेस वाली जॉब होती है ये फायर सेफ्टी। आप एक एग्जांपल मान लीजिए कि किसी के साइट पर आग लगी, सब कुछ किया उसने, लेकिन जिस समय लोगों के रिस्पॉन्स करने की बारी आई, मतलब एक अकेला फायर ऑफिसर तो सारी आग बुझाने के लिए काफी नहीं है ना, उसके पीछे एक टीम चाहिए। वो टीम अगर उसका साथ नहीं देती है उस इमरजेंसी की सिचुएशन में, या डर जाती है, घबरा जाती है, या उसको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, या आग की जो गर्मी है वो उसके पास नहीं जा रही है। जैसे मान लीजिए कि जब हम कभी कोई टीम बनाते हैं ना, तो हम फायर फाइटर्स की एक टीम बनाते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, कॉर्पोरेट्स में कभी कभी क्या होता है कि हम इमरजेंसी की जब एक टीम बनाते हैं ना, तो हम अदर डिपार्टमेंट के लोगों को भी इनिशिएट करते हैं, उनको बोलते हैं कि हाँ आप भी आगे से आगे बढ़ के आइए। ठीक है, तो ये जो चार तरीके की बेसिक कमियां है ना, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, हाँ, तो ये जो है, ये जो चार कमियां है ना जिनकी वजह से हम फेल होते हैं, ये चार कमियां, ये सिर्फ चार कमियां नहीं है, ये वो बेसिक चार कमियां हैं, इसके आगे 400 कमियां और हैं, लेकिन जो मुख्य कमी है वो अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपका जो भी सिस्टम लगा हुआ है, जो भी, हाँ जी ठीक है, तो कभी क्या होता है कि जो भी सिस्टम लगा हुआ है और जो भी मशीनरीज हैं, जो भी हमारे पास सेटअप है हमारी फैक्ट्री में या हमारे प्लांट में या हमारे कॉर्पोरेट में, कहीं पर भी कोई भी सेटअप है, उसके सिस्टम का रनिंग होना जितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स को चेक करना, क्रॉस चेक करना, और डिटेल्ड क्रॉस चेक करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप कि नजरों से कोई चीज बच जा रही है और कल को वही कारण बन जाए उस दुर्घटना का, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा आपको, कि जो चीज आपको लगा कि ये तो बड़ी बचकानी सी चीज है, और उसी बचकानी सी वजह जो है वही एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाए, तो बहुत ही अफसोस होता है अपने करियर पर, अपने नॉलेज पर, अपने एक्सपीरियंस पर, बहुत अफसोस होता है उस समय। जब आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और आपके मैनेजमेंट या सीनियर्स जो हैं वो आपकी छोटी छोटी कमियां निकाले, तब सुनते बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए छोटी चीज का भी ध्यान रखें। और अभी एक चीज आ रहा है कि अभी हम लोग का ये जो सेशन है अभी 50 मिनट का रहता है, 45 मिनट हो गया है, तो जैसे ही ये 50 मिनट खत्म पूरा होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद सब लोग फिर से ज्वाइन कीजिए। आज का सेशन हम लोगों ने दो सेशन रखा है ताकि ये पूरा जो इमरजेंसी प्रिपेयरनेस जो रिस्पॉन्स प्लान है वो पूरा सेशन खत्म हो जाए, नहीं तो एक सेशन में ये खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने दो सेशन रखा है। जैसे ही ये क्लोज हो जाएगा सेम लिंक से सब लोग जुड़ जाइए, तब
तब तक हम लोग दादा एक काम करते हैं, किसी को कुछ पूछना है ये 5 मिनट के टाइम में तो पूछ लीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। किसी को हेलो कुछ? जी अजीत बोलिए। सर ये इमरजेंसी प्लान कितने प्रकार का होता है? देखिए जो इमरजेंसी जो प्लान है वो अगर इंडिया में बात करेंगे तो दो टाइप का रहता है, एक तो इनसाइड ऑनसाइड इमरजेंसी प्लान बोलते हैं और एक ऑफसाइड इमरजेंसी प्लान बोलते हैं। इन ऑनसाइड इमरजेंसी प्लान का मतलब होता है कि वैसा इमरजेंसी जो आप खुद से टैकल कर सकते हैं, आप अपने रिसोर्सेज से टैकल कर सकते हैं, उसको ऑनसाइड इमरजेंसी प्लान बोलते हैं। और ऑफसाइड इमरजेंसी प्लान का मतलब होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन इतना बढ़ गया कि आप खुद उसको टैकल नहीं कर सकते, बाहर के रिसोर्सेज का जरूरत होता है। अगर आप इंटरनेशनली लेवल पे बात करें तो इमरजेंसी तीन टाइप का होता है, टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री। टीयर वन का मतलब होता है कि जो एक पार्टी आपके इंडस्ट्री में या प्लांट में जहां काम कर रहे हैं, एक छोटा सा लोकेशन जहां पे आपका हर लोकेशन पे आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि फायर फाइटर होता है, फर्स्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्डर जिसको बोलते हैं वो जो लोग काम करते हैं वही होते हैं। उन्होंने एक इमरजेंसी सिचुएशन देखा और इमिडिएटली उसको कंप्लीट कर दिया, उसको बोलते हैं टीयर वन। टीयर टू का मतलब होता है कि आपके इंडस्ट्री या प्लांट के सारे लोग मिलके उस इमरजेंसी को हैंडल कर दिए। और टीयर थ्री का मतलब होता है आपको बाहर का रिसोर्सेज का जरूरत पड़ेगा। तो आप अगर नेशनल लेवल पे देखेंगे तो ऑनसाइड इमरजेंसी, ऑफसाइड इमरजेंसी, इंटरनेशनली लेवल पे देखेंगे तो टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री होता है। अजीत आई थिंक हम क्लियर हो गया होगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा बेसिकली अजीत मैं तुमको एक बात और बता दूं, वीरेंद्र ने बहुत अच्छा बताया और बिल्कुल एक एक शब्द जो बिल्कुल सही बताया, लेकिन अजीत मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूं। अजीत ये जो सेशन है ना, ये बेसिकली तुम्हारी जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल सही क्वेश्चन था तुम्हारा, लेकिन यहाँ पर ये समझो कि ये जो पीपीटी तुम्हारे सामने आ रही है ना, या जो भी स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, ये तुमको बताएगा कि एक इमरजेंसी एक्शन प्लान को बनाने के लिए बेसिकली कौन कौन से ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? धर्मेश सर आप कुछ बोल रहे थे सर कि आपका ईमेल आईडी का मैं पढ़ लेता हूँ आपका चैट में। ओके मैं आपको लिंक भेज देता हूँ सर, ये आपका आपके आईडी पे मैं लिंक भेज देता हूँ। और ये सेशन दोबारा ज्वाइन करने के लिए सेम लिंक पर क्लिक कीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे, कोई दूसरा लिंक का जरूरत नहीं है। अगर मैं बीच में डिस्कनेक्ट करूंगा तब जरूरत होता है, इसीलिए मैं ये 5 मिनट के टाइम में वेट कर रहा हूँ कि ये सेशन खत्म हो जाए, फिर से सेम लिंक में हम लोग ज्वाइन हो जाए। और किन्हीं का कुछ है क्वेश्चन? ओके देखिए जैसे जो अभी तक हम लोगों ने सेशन में देखा, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस जो प्लान है वो इतना इम्पोर्टेंस है और दादा ने अभी तक इतने सही तरीके से बेसिक से लेके कि ये क्यों जरूरी है, कैसे बनाते हैं, वो प्रोसेस में हम लोग चल रहे हैं। जब डिटेल इसका जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में जब जाएंगे और आगे तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि ये क्या क्या इसमें फैक्टर्स है, कैसे बनाते हैं, क्या करना है, वो सारा कुछ आएगा। और ये सेशन हम लोगों ने जानबूझ के दादा को रिक्वेस्ट किया था कि दादा एक बेसिक इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का जो फॉर्मेट होता है उस पे आप बनाइए, क्योंकि दादा के पास जो प्रेजेंटेशन था वो इतना लंबा था कि और इतना बड़ा था। सर ये इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो प्लान है उसको कब कितने दिन में अपडेट करना चाहिए? ऐसा तो नहीं है मैं कि